इसके बाद बात करते हैं आगे खबरों के, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डूंगरपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे ऋषि मुनियों की इस पावन धरा पर देश की आजादी के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलबेटी पर अपना बलिदान देने वाले उन भारत माता के महान सपूतों की इस पावन धरा पर आकर के और आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो देश और के शौर्य और पराक्रम की बात सामने आने लगती है। देश का स्वर, देश की भुजाएं, युवाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का शौर्य का प्रतीक है, राजस्थान भारत के पराक्रम का प्रतीक है। और याद रखना, जहां शौर्य और पराक्रम होगा उसकी आधारशिला भक्ति में होगी। ये भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। धर्म है तो कर्म है और कर्म है तो धर्म है, दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही शक्ति और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और राजस्थान देश और दुनिया में उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। और भाइयों बहनों, इसलिए भक्ति और शक्ति की धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान पिछले 5 वर्ष से करा रहा है। 5 वर्ष पहले राजस्थान डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ा था, विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था, विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ था, उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लाएंगे। इस दिशा में जो एक प्रयास प्रारंभ किया था, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, इससे पहले विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ओर जिस राजस्थान ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए थे, पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही। इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर एक आ गया, अराजकता में नंबर एक आ गया, गुंडागिरी और अपराध में नंबर एक हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर एक हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारक राजस्थान हो गया। महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 142 करोड़ की भारत की जनता कर रही है,
और जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा होता है। भाई बहनों, ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहा हमारा देश, आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद की आंकड़ों को आंकड़ों को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की और आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया की मानव कष्ट में पड़ी हुई मानवता को राह दिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो उसकी आंखों को हथेली पे निकालने का काम भी करते हैं। तो आप सुन पा रहे थे सीएम योगी को डूंगरपुर में राजस्थान में प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से अगली खबर है, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला, हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने की सर्वे की मांग। हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने की सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे की गई मांग। मथुरा से खबर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला, हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने की एएसआई सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हो रही है एएसआई सर्वे की मांग। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद फैसला पहले ही सुरक्षित रखा गया था। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट का इस पर क्या कुछ फैसला आता है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला, और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का यह मामला था, हाईकोर्ट में सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था, क्या कुछ अब इसमें आगे प्रोग्रेस होने की उम्मीद है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाला मामला है। हिंदू पक्ष और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर मांग करी है कि इसमें ज्ञानव्यापी की तर्ज पर यहाँ पर ये एसआई सर्वे किया जाए। ईदगाह में सर्वे होना उन्होंने जरूरी बताया है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद में हाई कोर्ट में इसमें फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उन लोगों की लगातार अभी हिंदू पक्ष की ये मांग है कि इसमें ये एसआई सर्वे होना चाहिए, खुदाई होना चाहिए और हमारे जो चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह इसमें निकलेंगे, उनकी बार बार यही मांग है। और उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले 7 रूल 11 पर इस पर बहस होनी चाहिए और 7 रूल 11 की सुनवाई होने के बाद ही हाईकोर्ट कोई निर्णय ले। तो दोनों का की बहस अभी हाईकोर्ट में पिछले दिनों चली थी। दोनों की दलीलें सुनने के बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ में जिन न्यायमूर्ति हैं उनकी खंडपीठ में इसको जो है पूछने को सुरक्षित रखा गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसमें हाईकोर्ट द्वारा क्या फैसला दिया जाता है। जी प्रियंका, जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, इस पूरे मामले में हो सकता है फैसला आ जाए, यदि हिंदू पक्ष के हक में फैसला आता है, जैसा कि वाराणसी को लेकर वो बार बार उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसे में अगला कदम मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ होने की उम्मीद है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है अभी तक? जी, मुस्लिम पक्ष के जो वकील है यहाँ पर तनवीर अहमद, हमने उनसे भी बात करी और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हाईकोर्ट से फैसला आता है तो हम अगली कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है
कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, तब भी हम 7 रूल 11 की अभी मांग करेंगे हाई कोर्ट में, और बार बार वो यही मांग कर रहे हैं। तो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड भी बार बार मांग कर रहा है कि 7 रूल 11 में इससे बहस होनी चाहिए पहले जो है, लेकिन हाई कोर्ट में दोनों की दलीलें सुनने के बाद में ये फैसला सुरक्षित है। अगर फैसला हिंदू पक्ष में आता है, ईदगाह के सर्वे के लिए आता है, तो उसमें जो है जी बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का मामले में जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ही पक्षों की दलीलें सुन के जुरह पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, मिर्जापुर पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने सपा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्मासुर बताया है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब का परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एक ओर जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं नहीं दिखाई दे रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहां जहां कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ मिर्जापुर से संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी कमलेश, जिस तरह से यहां पर नंद गोपाल नंदी का बयान सामने आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्मासुर यहां पर बताया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए जिला कलेक्टर विभाग ने नंद गोपाल नंदी ने आज यहाँ पर लोगों का समीक्षा बैठक की, यहाँ पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से निशाना साधा। इन्होंने कहा कि देखिए वो अपने पिताजी का राष्ट्र जो उनके पिताजी मंत्री थे वो चीन कर खुद को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर और अपने चाचा को भी हटा दिया। बीच अपने चाचा और अपने पिताजी के नहीं हुए तो इस तरह से जो है की जनता की क्या हो पाएगी, क्या उनकी सरकार क्या चलाता है। अब आपको बता दिए कि नंद गोपाल नंदी यहाँ पर दिन में समीक्षा करने के बाद यहाँ पर रात भर रुके और एक गरीब के घर जाकर रात में भोजन भी किया। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम रहा उनका? देखिए उनका कहना है कि जो सदियों से रामायण ग्रंथ की चली आ रही हिंदू धर्म का जो भी यहाँ पर है जैसे भगवान की जो प्रतिमा उनको भी उन्होंने टीचर साधा और उन्होंने बताया गलत बताया कि हमारे जो ग्रंथ है वो सब बकवास है झूठ है, इसीलिए उनका पूरा निशाना समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया था। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से वो मिर्जापुर पहुंचे थे आपने जानकारी दी कि किसी के घर जाकर उन्होंने खाना भी खाया है, क्या कुछ पूरा उनका कार्यक्रम की रूपरेखा रही? क्योंकि मीटिंग करते हुए समीक्षा लेते हुए भी नजर आए थे, समीक्षा की जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ विचार विमर्श हुआ, क्या निर्णय लिए गए? देखिए उन्होंने कहा कि 75 जिलों में हमारे तमाम जो मंत्री बैठे हुए जो भी लोगों की समस्याएं समाधान लोग करते रहते घर घर जाकर चौपाल भी लगाते हैं और उन्होंने कहा कि रात भर हम लोग यही प्रोग्राम करेंगे और रात भर अकेला जो है कि वहाँ पर जो गेस्ट हाउस है उसी पर रुके हुए थे और रात में उनका अचानक प्रोग्राम हुआ कि किसी दलील के घर जाएंगे और वहाँ पर बना हुआ भोजन जिस तरह से जिस तक पुरानी प्रथा में लोग जब भोजन खाते पीते उसी तरह हम लोग भी बैठ के वहाँ पर भोजन का प्रोग्राम करेंगे। जहाँ पर उन्होंने 51-100 रुपए की जो चेक दिया जहाँ पर जो वो सब खाना बना रहे थे महिलाएं उन लोग को दिया और उनके परिवार वालों को भी कुछ धनराशि अपनी तरफ से मुहैया कराई। रात भर रुकने के बाद आज मंडली जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करने के लिए वो जल्द ही मिर्जापुर जिले पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज अस्पताल में भी पहुंच सकते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करें और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बात करें तो क्या कुछ उनको निर्देश दिया गया है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब नजदीक है?
जो समस्या है, जो विपक्ष पार्टी वो तो एक दूसरे के ऊपर सारा निशान तो साधती है, पर उनका ये कहना है कि हम भी साथ में पूरी जनता के साथ में खड़े रहेंगे, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम जिलों में जाकर लोग की समस्याओं को भी समाधान करेंगे। और उन्होंने बताया कि जगह जगह जितने 75 जिले हुए हैं यूपी के अंदर सब 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 जिलों में एक एक मंत्री को हमने बता दिया गया है, जो मंत्री जो खुद जाकर घर पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम था, लोगों से बातचीत की है, दलित के घर जाकर खाना भी खाया और उसके अलावा अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, स्थानीय लोगों की बात करें तो वो इस दौरे से कितना खुश और प्रभावित नजर आए, क्या कुछ स्थानीय लोगों में आप हलचल देख पा रहे हैं? देखिए स्थानीय लोग इनके आने की सूचना मिलते हैं एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कि जिस तरह से यहाँ की जनता लोग आवाज उठाते, मंत्री को यहाँ बुलाया जाए, मंत्री को कोई समीक्षा बैठक की जाए, उनसे बात की जाए, इसलिए मंत्री को सुनते ही यहाँ मिर्जापुर के तुरंत रवाना होते हैं, अगले दिन ही आने की उनकी तैयारी प्रोटोकॉल बन जाए, आते ही सबसे मुलाकात करते यहाँ की जनता जो इनकी बातों से बहुत खुश होती है, इनकी आवाज सुनते ही तुरंत ये जो है सत्या से सबों के समाधान करने के लिए आदेश देते हैं। जी बिल्कुल कमलेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कहते थे कि नहीं जी सुबह मत दीजिए, लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 बजे के बाद दीजिए, क्योंकि 11-12 बजे सभा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, वो भी सुबह के समय। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और जनता जनार्दन को विशेष रूप से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिए। मैं इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूं, खाना पकाने का समय हो, रसोई घर छोड़कर के राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में माताओं का आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्यार, ये आशीर्वाद दिखाता है मेवाड़ हाड़ोती के मन में राजस्थान का भविष्य और राजस्थान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के
देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी, लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। तो आप राजस्थान से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।